अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नांग्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर ने कैंसर मरीजों के जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सीएमई का आयोजन किया गया था, जिसके संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और अमेरिकन ब्रेकिथेरेपी सोसाइटी के सहयोगी डॉक्टर सुशील बेरीवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पुनर्वास और पोषण सहित संबंधित सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। कैंसर मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्व पर पैनल चर्चा और व्याख्यान के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस दौरान कैंसर, कैंसर पीड़ित व सुधार के बाद का जीवन आदि से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा व व्याख्यान हुआ है। सीटीएसईआई दक्षिण एशिया के सीईओ हरीश त्रिवेदी ने कहा कि यह सीएमई कैंसर देखभाल को निरंतर आगे बढ़ाने एओआई के समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने चिकित्सा उपचार से लेकर मरीजों की देखभाल के हर पहलू पर विचार करने के लिए आश्वस्त किया। हमने सीएमई मतलब एक परिचर्चा का आयोजन किया था। इस परिचर्चा में अमेरिका से डॉक्टर सुशील बेरीवाल, जो कि अमेरिका के जाने माने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो नागपुर में आज आए थे। उनका एक कीनोट लेक्चर आयोजित किया गया था। इस परिचर्चा में नागपुर के सभी प्रतिदिवस कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे। इस परिचर्चा में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि मुख्य चर्चा का विषय था कि कैंसर पेशेंट्स में ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के दरमियान और ट्रीटमेंट के बाद उनकी जीवन शैली में कैसे सुधार लाया जाए और कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उससे उनकी जीवन शैली में जो विपरीत परिणाम हो रहा है उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए चर्चा हुई। विविध मार्गदर्शक डॉक्टरों ने, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर की सर्जरी द्वारा चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों ने, सर्जरी के पहले, सर्जरी के दरमियान और सर्जरी के बाद में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण सर्जरी से ट्रीटमेंट लेने वाले कैंसर पेशेंट कैसे तनाव मुक्त रहे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा अच्छा रहे, उसके लिए मार्गदर्शन किया। विकिरण चिकित्सा से जो ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर मंगेश पाटिल, डॉक्टर आशीष भांगे, डॉक्टर अभिनव पुपलवार, उन्होंने अपने चर्चा सत्र में विषय का विचार मंथन किया और बताया कि कैसे आधुनिक विकिरण चिकित्सा से, आधुनिक रेडिएशन चिकित्सा द्वारा हम कैंसर का पूरी तरीके से खात्मा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के पैनल ने कैंसर के उपचार में नवीनतम प्रगति और नवाचारों पर चर्चा की है। प्रोवाइडर सर्विसेज के उपाध्यक्ष, वेरियन एंड एकेडमिक चीफ, एलेकिनी हेल्थ नेटवर्क के डॉक्टर सुशील बेरीवाल ने कहा कि कैंसर की देखभाल में केवल बीमारी पर ही नहीं बल्कि मरीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर मंगेश पाटिल, डॉक्टर आशीष भांगे, डॉक्टर अभिनव पुप्पलवार के नेतृत्व में एओआई नांगिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवारत रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने एक दूसरे के प्रयासों से मरीजों के सुधार व सामान्य जीवन के लिए सहयोग की सकारात्मक पहल की। एओआई के व्यवस्थापकीय निदेशक डॉक्टर ऋषिकेश पाटे ने कहा कि सीएमई के माध्यम से मरीजों की देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। इससे मरीजों को सहायता करने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।